दोस्तों, रिश्तों के धागों में बंधी मेरी कहानियाँ, जिनमें आप मिलते हो अपने आप से, अपने अपनों से। आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, कच्ची डोर से बंधी मैं। कभी सुबह की ओस तो कभी शाम की बिखरती धुंध, ऐसे ही बंद के रह गई थी जिंदगी। अब न तोड़ने की चाह थी, न आसमान छूने की तमन्ना। माँ, माँ क्या कर रही हो, चलो ना छत पर, प्लीज चलो ना, पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा पड़ा है, खूब मजा आ रहा है। मनु की मासूम आवाज दिल तक तो पहुंच रही थी, लेकिन पहले से बिखरे अरमानों को समेटती सरिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। माँ, हाँ बेटा, आज आप अपनी नानी को साथ ले जाओ। नहीं, आप चलो ना। चले जा बेटा, ठंडी हवा में तेरा भी मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। कब तक सरिता, तू ऐसे खुद से मुंह नहीं मोड़ सकती, नदी की तरह बह जाना ही होगा तुझको। माँ चलो ना। मनु की मासूम आंखें और उसकी उंगलियों को सरिता खुद से दूर नहीं कर पाई। सीढ़ियों से ऊपर बढ़ता उसका हर एक कदम उसे सुमन की याद दिला रहा था, और फिर वो पल आया जब सरिता मनु की उंगली थामे छत पर आ गई। बस आ गए हम, तुम बहुत अच्छी हो माँ। वो देखो, वो वाली पतंग कितनी ऊपर है, और वो वाली भी देखो, ओ वाओ। मनु के मासूम चेहरे में उसे सुमन नजर आ रहा था। सुमन को देखते ही वो मन ही मन बस एक के बाद एक उससे शिकायतें करने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मुझे यूं छोड़ दिया बीच मझधार में, क्या रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं सुमन? नहीं सरिता, रिश्ते तो सही मायनों में तुम निभा रही हो। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं अगर उस दिन नशे में नहीं होता तो शायद वह हादसा भी नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो सरिता, प्लीज़, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है तुम कर लोगी, और मनु की ज़िंदगी में वो रंग भरोगी जो मैं तुम्हारी और उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं भर पाया। साथ तुम्हारा देना था, लेकिन गलत संगत और नशे की आदत का साथ मुझे तुम दोनों से दूर ले गया। पतंग से बंधी कच्ची डोर नहीं हो तुम तो रिश्तों का मजबूत धागा हो। आसमान में उड़ रही पतंगों में, बातों ही बातों में एक बार फिर सुमन कहीं खो गया, इस बार हमेशा के लिए। और मैं वही दीवार को मजबूती से पकड़े और उसे जाते हुए देखती रह गई। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी शराब या किसी जानलेवा नशे की आदत में हो तो उसे अभी अपने से दूर कर दीजिए। अपने अपनों को खुद से दूर करने से बेहतर है नशे को दूर करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।